नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहली से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए सबसे बड़ी जो है यहां पर खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब जो है आप लोग की इंतजार की घड़ी जो समाप्त हो चुकी है। 2.10 करोड़ पहली से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए आने की साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि का डेट जो यहां पर जारी कर दिया है। जो भी आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली जो है आज जो है आप लोग की इंतजार की घड़ी जो है समाप्त हो चुकी है। राज्य एवं कैबिनेट की बैठक में कल के डेट में यहाँ पर फैसला लिया गया है कि यहाँ पर 2.10 करोड़ यहाँ पर स्कूली बच्चे के खाते में साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि जो यहाँ पर किस डेट से जाना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप लोगों की कहाँ से और कैसे जो है लिस्ट में अपना नाम देखना है कि आप लोग का लिस्ट में नाम शामिल है या नहीं है। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, सारा जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोग की डिटेल में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इलो ट्यूटर एप्लीकेशन भारत का सबसे सुविधाजनक एप्लीकेशन। आप केवल 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये प्रतिमा कमा सकते हैं। किसी को भी कहीं से भी कभी भी बिना परेशानी के पढ़ाए आप केवल उन विषयों को पढ़ा सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अगर आप 1 या 2 विषयों में अच्छे हैं तो फिलो से जुड़ सकते हैं और जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को भरिए, फिर आप अपने नेम, प्रोफाइल फोटो, पैन डिटेल और टीचिंग टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए। आप रोजाना 4 घंटे खर्च करके 20,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आज फिलो ट्यूटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैसला, साइकिल और पोशाक के लिए 75% जो यहाँ पर हाजिरी की शर्तें जो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। आने की ये जो फैसला लिया गया है, ये जो है राज्य कैबिनेट की बैठक में जो यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, यानी कि यहाँ पर तीनों का पैसा जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2.10 करोड़ छात्र एवं छात्राएं जो है इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि राज्य के 1वीं से 12वीं तक के सभी 2.10 करोड़ छात्र एवं छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने एक साल 2021 एवं 22 के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जैसे 2020 में भी यहां पर 75% हाजिरी की अनिवार्यता जो यहां पर खत्म कर दी गई, उसी प्रकार से 2021-22 में भी यहाँ पर 75% हाजिरी की अनिवार्यता को यहाँ पर हटा दी गई है। क्योंकि जो यहाँ पर ऐसे में आप लोग को पता होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय जो है लिया गया है। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की स्कूलों में 75% हाजिरी होती है उन्हें ही उक्त यहाँ पर योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद रहे, इसलिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को इस साल के लिए शिथिल जो यहाँ पर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में इसके लिए राशि का प्रबंधन किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने से अब राशि बच्चों के खाते में भुगतान करने की प्रक्रिया जो यहाँ पर शुरू की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कैबिनेट की यहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद जो भी यहाँ पर 2.10 करोड़ स्कूली बच्चे हैं 1वीं से लेकर 12वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं के खाते में साइकिल, पोशाक, प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति, ये सारा का सारा पैसा जो उनके खाते में पहुँचनी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है, जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं बिना हाजिरी के ही 2 करोड़ बच्चों को साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति राशि जो यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही, अब आप लोगों को क्या क्या करना है, कहाँ से और कैसे जो अपना लिस्ट में नाम चेक करना है, छात्रवृत्ति लिस्ट या यहाँ पर पोशाक राशि की लिस्ट या साइकिल का लिस्ट, यानी कि सारा का सारा लिस्ट में आप लोगों की चेक करके मैं दिखाने वाला हूँ। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के करीब 2.10 करोड़ स्कूली बच्चों को बिना हाजिरी की साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना की राशि दी जाएगी। कोविड
कोविड के दौरान अधिकांश दिनों से स्कूल कॉलेज बंद रहने की वजह से वर्ष के पहले 6 महीने में 75% उपस्थिति के नियमों में सरकार ने यहाँ पर छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर राज्यकृत प्रारंभिक स्कूल में यहाँ पर 8300 यानी कि 8386 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का भी यहाँ पर प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। कुल 21 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। एक बार के लिए नियम हुआ इसी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना से साइकिल के साथ पोशाक के लिए राशि और छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना से यहाँ पर साथ पोशाक के लिए छात्रवृत्ति भी यहाँ पर दी जाती है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष स्कूल अधिकांश समय बंद रहे, लिहाजा एक बार के लिए स्कूलों में 75% यहाँ पर उपस्थिति के नियम में ढील देते हुए छात्रवृत्ति पोशाक साइकिल मद की यहाँ पर राशि बच्चों या अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राओं को खाता नहीं होंगे वे जो अपने अभिभावक का खाता दिए होंगे उनके खाते में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर 75% उपस्थिति हाजिरी को यहाँ पर हटा दिया गया है सिर्फ यहाँ पर 2021-22 के लिए। नेक्स्ट वर्ष में यहाँ पर फिर से जो है 75% उपस्थिति हाजिरी को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है 2021-22 के लिए इसलिए हटाया गया क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज जो है काफ़ी दिनों तक बंद रहे, इसलिए जो है इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। जुलाई और अगस्त में इसका भुगतान नहीं हो पाया था। मंत्रिमंडल ने 2 महीनों का बकाया महंगाई भत्ता एक बार में अक्टूबर में देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। वनेगा राज्य उत्तर शिक्षा परिषद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद की तरह बिहार में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन होगा। मंत्रिमंडल ने यहाँ पर परिषद की प्रशासनिक जो यहाँ पर संरचना के लिए 20 पदों के सृजन की भी यहाँ पर मंजूरी दी। 7 पद अस्थायी सेवा होंगे और जबकि 13 पद जो है संविदा वाले होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब जो है अब आप लोगों की जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अपने जो है छात्रवृत्ति पोशाक एवं साइकिल का राशि को लेकर इंतजार कर रहे थे तो फाइनली उनका आज इंतजार की घड़ी जो है समाप्त हो चुकी है। अब आप लोगों की मन में सवाल होंगे कि छात्रवृत्ति पोशाक और साइकिल का पैसा किस डेट तक जो है खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि राज्य यानी कि यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने से अब राशि बच्चों के खाते में भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पर कैबिनेट की यहाँ पर मंजूरी मिल जाती है वैसे यहाँ पर सभी बच्चों के खाते में साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का राशि जो है जाना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द जो यहाँ पर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो यहाँ पर जैसे कैबिनेट की मंजूरी मिलती है वैसे यहाँ पर सभी छात्र एवं छात्राओं के खाते में जाना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब जो है अब आप लोगों की लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, अपने स्कूल कॉलेज के लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, पहली से लेकर 12वीं क्लास के छात्र एवं छात्राओं के लिए कि लिस्ट में नाम शामिल है या नहीं है, छात्रवृत्ति लिस्ट एवं साइकिल लिस्ट एवं पोशाक लिस्ट, ये सब लिस्ट में कैसे नाम चेक करना है, क्योंकि जो है इस वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि जो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप लोगों की एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे और आप लोग आसानी से देख सकेंगे। हो सकता है इसी देर में जो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होंगे उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाला हूँ लिस्ट में नाम चेक करके कि आप लोगों की लिस्ट में नाम शामिल है या नहीं है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।